हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं फ़िलहाल खड़ी थी लियो एक्सपो के सामने। गुवाहाटी 25th इंटरनेशनल एक्सपो लगा था, तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो देख लेते हैं। एक्चुअली हम लोग एक्सपो देखने नहीं आए थे, दूसरा काम से आए थे, और जहाँ पे हम लोग का काम था वहीं पे एक्सपो लगा था। तो सोचे कि चलो थोड़ा देख लिया जाए, अच्छा लगेगा देखने से। और अंदर में आप लोग देख ही सकते हैं, इतना अच्छा से लाइटनिंग वगैरह ऑर्गेनाइज किया था लोग, मतलब क्या ही बताऊँ मैं तो, लाइट देख के फिदा हो गई थी, इतना मस्त लाइट था। और यहाँ पे लोगों का भीड़ इतना था, सब कोई फ़ोटो क्लिक, उसके बाद वीडियो बनाना, हर एक चीज़, मतलब जितना भी एक्सपो देखने आए थे लोग सब करा रहे थे। लाइट की वजह से लाइट इतना बढ़िया था, और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम भी फ़ोटो क्लिक करा लो, लेकिन दिन भर का थकान से मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा डाउन था, तो इसलिए मैं फ़ोटो क्लिक नहीं कराई। मैं सोची कि चलो थोड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, ताकि आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँगी और आप लोग को भी दिखा पाऊँगी जितना हो सकता है एक्सपो का, तो इसलिए मैं सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग की। और हम लोग एंटर कर चुके थे अंदर में, और बहुत ज़्यादा स्टॉल वगैरह लगा हुआ था, बाहर से हो या हम लोग का इंडिया का अंदर से, केरला से, और बाहर से अफगानिस्तान, थाईलैंड, हर एक जगह से स्टॉल वगैरह लगा था, जो कि आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बाबू का मेन खिलौना इतना, मतलब अच्छा लग रहा था देख के, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, इसलिए मैं मना की कि नहीं नहीं लेना है, बेकार का बच्चा एक दो दिन खेलेगा उसके बाद तोड़ के फेंक देता है, इसलिए मैं मना की। हम लोग आ गए मेरे हस्बैंड के फेवरेट स्टॉल के सामने, जो कि केरला से लोग स्टॉल लगाया था लोग, जो कि नमकीन वगैरह ये सब सेल कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड को नमकीन का ज़्यादा शौक है, तो नमकीन अपना चख के टेस्ट करके अपना नमकीन ले रहे थे। बोले कि कुछ नहीं लेना है, लेकिन नमकीन तो मुझे लेना ही है, तो मैं बोली ठीक है नमकीन आप ले लीजिए। तो नमकीन ले रहे थे दोनों, बाप बेटा दोनों टेस्ट करके ले रहे थे। और उसके अपोजिट में ये टाइल्स का था कारीगरी, जो कि इतना बढ़िया लगा मुझे, घर पे डेकोरेशन के लिए जो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एक्सपो में कोई भी आए तो जिसको जो लेना है ले सकते हैं, वही है कि कॉस्ट ज़्यादा होता है हर एक प्रोडक्ट का, तो अपना देख समझ के आप अपना ले सकते हैं। और ये स्टॉल था अफगानिस्तान का, ड्राई फ्रूट्स का था स्टॉल, जो कि वहीं के लोग आके यहाँ पे स्टॉल लगाए थे। और बहुत ही वैरायटी का यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिल रहा था, जो कि देख के बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत यूनिक यूनिक ड्राई फ्रूट्स भी था, जो कि हम लोग भी नहीं देखे हैं, वो भी था। और ये था थाईलैंड का स्टॉल, जो कि फ्लावर वगैरह ये सब था, डेकोरेशन आइटम ये सब आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा कलेक्शन था, लेकिन वही है कि मैं फिर से बोलूँगी प्राइस बहुत ज़्यादा, तो यही बात है। आप लोग आ सकते हैं एक्सपो में, जिसको जो लेना है ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो गाइस, मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। चाहे ख़राब लगे तभी भी बताइएगा, अच्छा लगे तभी भी बताइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे के वीडियो के लिए, और जो भी गलतियाँ हैं मैं ज़रूर सुधारूंगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग की क्या क्या गलतियाँ हो रही है वीडियो में, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम सुधारूंगी, और प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। Thank you.
जाते टाइम उसको आइसक्रीम का स्टॉल दिखा, जो कि वो हल्ला करने लगा, नहीं मुझे आइसक्रीम खाना है, चिल्लाना रोना सब कुछ शुरू हो जाता है बच्चा लोग का, तो यही है। तो जो भैया दे रहे थे वो तो थोड़ा वो करके देते हैं ना आइसक्रीम, तो उसको इतना चिल्लाना हो रहा था कि आइसक्रीम दो, ये करो, जितना भी लोग थे वहाँ पे खड़े होकर इसको ही देखने लगे, हंसने लगे, मतलब तो देख के भी अच्छा लगता है ना। और ये इतना हल्ला कर रहा था कि दे दो भाई आइसक्रीम, और इतना बड़ा आइसक्रीम था, और ठंडा का टाइम है, उसको सर्दी जुकाम होगा बोल के मैं भी थोड़ा सा खाई, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा खाए।